सबसे पहले भाई लोग आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर का शुभकामनाएं। इस लिस्ट की एनिमी सीरीज ने तो हमारी सोच ही बदल के रख दिया। सच बताए तो हमें भी लगता था कि एनिमेटेड सीरीज सिर्फ बच्चों की देखने की चीज होती है, लेकिन ऐसी मास्टरपीस सीरीज ने हमारी आंखों के सामने से सारे पर्दे हटाकर सीधा हमारी क्वालिटी कॉन्टेंट देखने का नजरिया और हमारी सोच बदल कर रख दिया। उन सभी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद जिन्होंने कमेंट सेशन में एनिमे सीरीज वीडियो बनाने को कहा। तो आज के रिव्यू में ऐसे ही टॉप 10 ओनली बेस्ट एनिमे सीरीज लाए हैं जो ऑडियंस के बीच हमेशा सुपर हिट रहे हैं। और खुशी की बात है, इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे जो इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा। तो बोनस सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अब तक ढूंढ कर हम लाते रहते हैं, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई लोग कर दो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। थोड़ा गला में प्रॉब्लम है भाई, अगर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आए तो एडजस्ट करना। तो चलिए इन सीरीज के थ्रू एनिमे की दुनिया में चला जाए। नंबर 7 की एनिमी सीरीज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। आप सोचिए इस रियल दुनिया से आपको एक गेमिंग वाली दुनिया में इंटर होने के बाद आपको लॉग आउट का ऑप्शन ही न मिले। साइफाई फैंटेसी एनिमी सीरीज 2012 की स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। सीरीज की स्टोरी एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन गेम पे बेस्ड है जिसमें वीआर हेलमेट की मदद से गेम की कैरेक्टर को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं और आपको ऐसा फील कराती है कि आप उस गेम का एक हिस्सा है। अगर आप गेम में मरे तो आप रियल दुनिया में भी मर जाएंगे। सीरीज का ट्विस्ट तो ये है कि गेम की क्रिएटर एकदम से लॉग आउट करने का ऑप्शन ही हटा देता है। जब तक आप गेम की मिशन कम्प्लीट नहीं कर लेते आप तब तक गेम से बाहर नहीं हो सकते। गेम में मरे तो आप रियल दुनिया में भी मर जाएंगे। अगर आप एनिमे सीरीज में नहीं है तो इस सीरीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। नो डाउट, वन टाइम मस्ट वॉच। नंबर 6 की एनिमे सीरीज जिसे हॉरर सर्वाइवल जॉम्बी मॉन्स्टर सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज उनके लिए बेस्ट हो सकता है। 2019 की नेटफ्लिक्स की तरफ से जॉम्बी सर्वाइवल के साथ द लास्ट किड ऑन अर्थ। सीरीज की स्टोरी अर्थ पे कुछ मॉन्स्टर अटैक की वजह से लोग जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सीरीज में आपको यही देखना है कि कुछ बच्चे बचे हैं, उन्हें उन जॉम्बी से सरवाइव करना है। सीरीज बच्चों को नजर में रख के बनाया गया है तो नो डाउट उनको ये सीरीज पसंद जरूर आएगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट लगा सीरीज का मॉन्स्टर और जॉम्बी को कमजोर दिखाया गया। अगर आप खूब सारा जॉम्बी मूवीज देख चुके हैं तो ये सीरीज आपको कुछ नया नहीं दिखाएगी। बाकी ये नेटफ्लिक्स सीरीज बच्चों के लिए मस्ट वॉच है। सीरीज नेटफ्लिक्स की कमाल की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की एनिमी सीरीज या डार्क मिस्ट्री क्रिएचर मैजिकल दुनिया किंग वॉर देखना पसंद है और वो भी एनिमेटेड में, तो बेहिचक ये सीरीज को देखना चालू करिए। एक पल के लिए भी आपको रिग्रेट नहीं करेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2018 की सुपर हिट एनिमी सीरीज एक्शन एडवेंचर टोटल 3 सीजन के साथ द ड्रैगन प्रिंस। और खुशी की बात है ये सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। भाई ऐसी एनिमे सीरीज को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो एक बार करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। नंबर 5 की एनिमी सीरीज ने तो मेरा दिल को छू लिया। ऐसी दिल को छू लेने वाली स्टोरी हमने लास्ट टाइम कोरियन सीरीज में देखा था। 2020 की एनिमी सीरीज नहीं भाई, इमोशन रोमांस ड्रामा के साथ रेंट अ गर्लफ्रेंड। सीरीज की क्या इमोशन है भाई, जब लड़के की गर्लफ्रेंड छोड़ जाने के बाद उनके ग्रैंड मदर की वजह से जब वो रेंट पे एक गर्लफ्रेंड बना ले आता है, कैसे इन दोनों के बीच वो लव वाला इमोशन आता है हमारे सामने इस तरह से दिखाया कि सच में भाई देखने में मजा बहुत आता है। अगर आप सुपर हिट कोरियन सीरीज समथिंग 1% देखा होगा तो ये सीरीज आपको जरूर याद दिलाएगी। इस सीरीज के इमोशन के एक बार जरूर देखिएगा। नंबर 4 की एनिमी सीरीज आपको बताएगी कि हमारे लिए एआई रोबोट कितना बड़ा इन्वेंशन हो सकता है और साथ में ये भी बताएगी कि एआई रोबोट हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सीरीज लास्ट तक आते आते आपको एक सोशल मैसेज सिखा जाएगी। 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से साइफाई कॉमेडी सीजन 1 के साथ इनसाइड जॉब। सीरीज की स्टोरी एक फीमेल साइंटिस्ट की है जो एआई रोबोट्स मिशन लॉन्च में काम करती है, जहां एक ऐसे एआई रोबोट पे काम करती है जो इंसानों को रिप्लेस कर सके। इस टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको अच्छी तरह से सीरीज दिखाती है। सीरीज को एक ट्राई देकर देखिए, नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज। आप सोचिए आपके पास एक ऐसा सुपर पावर हो जिससे आप टाइम में पीछे जाकर आप सब कुछ ठीक कर सके, फ्यूचर में होने वाले क्राइम को टाइम में पीछे जाकर आप रोक सके। ऐसे ही है बोनस नंबर 2 की सीरीज 2016 की मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर के साथ इरेज। ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ एक बार सीरीज को एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको मजा आएगा। नंबर 3 की
एनिमे सीरीज यार इनके मैजिकल फैंटेसी दुनिया आपको जरा सा भी फील नहीं होने देगी कि आप कोई एनिमेटेड सीरीज देख रहे हैं। 2020 की सुपर हिट एनिमेटेड सीरीज मैजिकल फैंटेसी के साथ विजार्ड सीरीज की स्टोरी में कुछ नया तो नहीं है, वही मैजिकल वर्ल्ड पावर ट्विस्ट एंड टर्न पर ये सब इतनी बारीकी से हमारे सामने रखा है कि कहीं पे भी ये सीरीज देखते वक्त आपको स्लो पेस्ट बोर नहीं करती। सारे कैरेक्टर को बारीकी से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर आप हैरी पॉटर जैसी मोस्ट पॉपुलर फिल्म सीरीज के फैन है तो ये एनिमेटेड सीरीज को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिएगा। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की एनिमे सीरीज एकदम धमाका। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज के फैन हैं और उससे भी एक लेवल ऊपर एक्शन कार रेसिंग देखना चाहते हैं तो ये एनिमेटेड सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स की तरफ से एक्शन फ्रिक्शन टोटल 6 सीजन के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर सीरीज की स्टोरी टोनी टेरेटो और उनके टीम पे बेस्ड है जिन्हें हायर किया जाता है क्रिमिनल के गैंग में घुसकर इम्पॉसिबल मिशन को अंजाम देना। ऐसी मिशन काफी कमाल की होती है जिसमें टैलेंटेड टीम वर्क हो। ऐसी सीरीज की स्वैग नेक्स्ट लेवल की होती है। ऊपर से एनिमेटेड सीरीज फैन के लिए ये सीरीज कोई ट्रीट से कम नहीं होगा। सीरीज नेटफ्लिक्स की कमाल की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, इस सीरीज को मिस मत करिएगा। से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज के एनिमेशन के बारे में क्या बताएं, जिसे देखते वक्त एक पल के लिए भी फील ना होने दे कि क्या सच में हम कोई एनिमेटेड सीरीज देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स की तरफ से एकदम खतरनाक एनिमेटेड सीरीज 2019 की टोटल 2 सीजन के साथ लव डेथ रोबोट। इस सीरीज को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, हर एक एपिसोड में आपको कुछ नया स्टोरी देखने को मिलेगा और वो भी नेक्स्ट लेवल का। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है और हाँ ये 18 प्लस सीरीज है, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस सीरीज को देखिएगा। नंबर 1 की एनिमे सीरीज यार इस सीरीज के बारे में क्या बताएं, बस इतना जान लीजिए इस मास्टरपीस एनिमे सीरीज के बारे में जितना भी बताएं उससे 100 टाइम्स नहीं 1000 टाइम बेटर होगा। और मेरा यकीन मानिए इस सीरीज को देखने के बाद इसके विजुअल इसकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसकर कई दिनों तक घूमती रहेगी। 2006 की सुपर हिट मास्टरपीस जैपनीज एनिमेटेड सीरीज हॉरर मिस्ट्री सी 9 IMDb रेटिंग के साथ देख लो। एक रहस्यमयी नोटबुक जिसपे सिर्फ उस बंदे का नाम लिखने के बाद उस बुक का पावर आपको ढूंढ कर मार डालेगी, इसी कॉन्सेप्ट को यार ये जैपनीज एनिमेटेड सीरीज हमारे सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है इस सीरीज के बारे में बताने के लिए। हर एक एपिसोड हमारे सामने इस तरह से रखा है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। अगर आप एनिमे सीरीज में नहीं है तो ये सीरीज देखकर अपना ग्रैंड ओपनिंग करिए, आपकी एनिमे सीरीज देखने के प्रति आपकी नजरिया बदल के रख देगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट है सीरीज इंग्लिश डबिंग के साथ अवेलेबल, एक ट्राई देकर देखिए। ऐसे ही खतरनाक कंटेंट हम ढूंढ कर आप तक लाते रहते हैं भाई लोग, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।